हर चीज़ ना लड़ना सीखी है, हर चीज़ तो लड़ के जितना सीखी है, तो जे असी नशियां तो लड़ के नहीं जित पा रहे तो क्यों नहीं जित पा रहे। तो एक कमली कहिंदा भी यार सुनिया इनू भी आ जिहड़ी खा लो फिर ये सारी जिंदगी लग जाती है। दूजा कहिंदा नहीं 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 नहीं, 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 नहीं लगती, 20 साल तो मैनू खांदे हो गए, मैनू तो लगी नहीं। किसी वेले की होंगे कि करैक्टर एड्डा सोहना लिखा होंगे है कि तुहाडा दिल करता कि मैं इहदे च अपनी जान ला दिया। सो निंजे ने उही कीता, साडे च स्ट्रैस भर दिता है। अज बच्चे मोबाइल ना तो स्ट्रैस च खेड रहे होंगे ने, इंजॉय थोड़ी कर रहे होंगे ने, मारे नू स्ट्रैस च खेड रहे ने। मुंबई दे विच कोई मैनू कहिंदा कि ठाकर साहब तुसीं दारू नहीं पीते, मैं कहिंदा नहीं। कहिंदे किद्दां दा पंजाबी है तू दारू नहीं पींदा, मैं कहा तुहानू की लगता कि साडियां मझां उत्थे मतलब दारू देण दीआं, असीं दुध पीण वाले हां यार, साडी दुध पीण वाली कौम है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जसवीर कौर स्वागत करती हूँ। सो एक बहुत ही सोहने कंसैप्ट ते फिल्म आ रही है 27 अक्टूबर नू, दैट इज़ जिंदगी जिंदाबाद। सो स्टारकास्ट मेरे नाल है राजीव ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है, किवें हो? मैं बहुत वधिया जी, सत श्री अकाल सारियां नू। जिंदगी तो जिंदाबाद होंदी है, सो जिंदगी किवें चल रही है? जिंदगी जिंदाबाद ही चल रही है जी। बहुत वधिया चल रही है, और बड़ी मतलब मैनू कहिंदे एक्साइटमेंट भी है, और बहुत बेसब्री नाल मैं खुद इंतजार सी जिंदगी जिंदाबाद दा, और हुण फाइनली 27 अक्टूबर नू आ रही है। और मैं चाहांगा कि पूरे पंजाब नू ये इल्तजाई है कि साडी छोटी जी निमानी जी कोशिश है, शायद ये पंजाब दे लई ही है, क्योंकि अज जो पंजाब दे हालात बने हुए ने कि नशियां दा बहुत ज़्यादा बोलबाला, सिर्फ पंजाब जी नहीं, खैर है तो हर जगह ही है। पर कहिंदे ना किसी वेले कि जिथे नहीं उम्मीद हुंदी कि सानू पंजाब तो उम्मीद नहीं सी, इसलिए शायद रौला ज़्यादा पैंदा है, क्योंकि असी वो कौम है जिहड़ी हर चीज़ नाल लड़ना सीखी है, हर चीज़ तो लड़ के जितना सीखी है, तो जे असी नशियां तो लड़ के नहीं जित पा रहे तो क्यों नहीं जित पा रहे। शायद असी ये कहना चाहवांगे कि असी शायद जिंदगी नू जिंदाबाद कह नहीं पा रहे। सर मैं गल पुछूंगी नशियां दी, आपां गल कर रहे हैं कि नशियां दे विच लोकी पै जांदे ने, कदे एक माइंड दे विच इहो जी थिंकिंग आई है कि अजकल इन्ना क्यों हो गया, इन्ना की हो गया कि लोकां नू एक नशे दा राह ही क्यों चुनना पै रहा? तुसीं हमेशा देखोगे कि सोबत दा बड़ा असर हुंदा है जिंदगी च, लोकी कहिंदे सारे, और जिहड़ी सोबत आ उह जिन्नी तुसीं देखो कि हुंदा की कि जे मान लो पहलां 10 सीगे, फिर उस सोबत ने 10 ने एक बंदे की सोबत 10 बंदे नाल हुंदी है, उन्हां जो एक भी उन्हें खिंचया तो 10 दे 20 हो गए। कहिंदे ना कि जदों कोई बीमारी फैलती है ना, वो बीमारी इदां हुंदी 2 तो 4 हुंदे, 4 तो 8 हुंदे, 8 तो 16 हुंदे, 16 तो 32, 32 तो 64, 64 तो 128, ये तादाद जदों वधदी जांदी ना डबल हुंदी है, तां उह विस्फोट हुंदा एक। शायद ये बहुत पहलां शुरू हो गया सी, जदों असी उस वेले इस वल ध्यान नहीं दिता, असी ध्यान उदों दिता जदों विस्फोट हो गया। सो उस विस्फोट तो दूर जाना मैनू लगता है कि साड़ी जिहड़ी अपनी कौम है पंजाबियों की, ये शेरां की कौम है, इस कौम ने कभी हार मनी नहीं किसी चीज़ तो, पर सिर्फ मैं लगता कि साड़ा ध्यान नहीं गया इस वल कि इहदे नाल असी लड़ना है, इहदे वल साड़ा ध्यान नहीं गया है। पर यह गरंटी है कि जिद्दन भी ध्यान चला गया कि असी इहदे नाल लड़ना, इहदा खात्मा पक्का है। अगर यूथ की मैं गल करा तो कितने ना कितने अगर यूथ जो नशियां के वल जा रहा है, एंड इतने मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही करा कि बिकॉज सिर्फ मुंडे नहीं कुड़ियां भी है, तो उत्थे एक एक रीज़न है कि सिर्फ कूल लगन ले या एक स्टेटस सिंबल बनाने ली कि यार मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं क्यों पिछे रहा, कि एक मेन रीज़न ये भी है। देखो मैं उही कह रहा सोबत गल उ है, कूल लगना हो सोबत दे विच कई लोग ना सिर्फ एक वारी ले हुंदा ना, चल यार ट्राई कर लें। सो जी ट्राई है ना वो एक बार करता है, फिर लगता यार चल कोई नहीं 15 दिन पहला भी किया, मैंने कड़ा कुछ होया, जिदा असी असी मजाक गल करते होंने कि दो अमली बैठे सी, तो एक अमली कहिंदा भी यार सुनिया इनू भी आ जी खा लो फिर ये सारी जिंदगी लग जाती है। दूजा कहिंदा नहीं 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 है नहीं लगती, 20 साल तो मैनू खांदे हो गए, मैनू तो लगी नहीं। सो है गल मजाक च है, पर जिन्हों लगी होंगी उन्होंने पता ही नहीं कि उन्होंने लत लग गई है। सो जिंदगी जिंदाबाद का जो टाइटल है, एंड
मैं अगर असी जो टीज़र देखा है ना तो बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट है। अगर मैं निंजा के कैरेक्टर की गल करा, निंजा पहली बार इस कैरेक्टर के आ रहे हैं, एंड मैंडी का भी बहुत एक जो गाना भी आया बहुत सोहना है, दोवों का कैमिस्ट्री बहुत सोहनी है। सो दोवों का जरा निंजा तो अगर मैं रोल की गल करा, तो एक्सपैक्टेड से कि निंजा इन्ना डिफरेंट रोल करेंगे? देखो करैक्टर तो जो मैं देखा सी दिल करता सी मैं ही कर दिया कि करैक्टर ही इन्ना सोहना है, उस करैक्टर की जर्नी इन्नी सोहनी है। तो जेड़ा किसी वेले की होंगे कि करैक्टर ही एड्डा सोहना लिखा होंगे है कि तुहाडा दिल करता कि मैं ये अपनी जान ला दें। सो निंजे ने उही किया कि उन्होंने करैक्टर इन्ना प्यारा इन्ना सोहना लगे, उन्हें अपनी जान लाती इस करैक्टर के बहुत, मतलब मेकअप भी बहुत हार्ड सीगा, असी बहुत गर्मी शूट किया, उस गर्मी वो मेकअप ला के बैठे रहना, दैट वॉज़ वेरी टफ। सो निंजे ने वो भी किया आ। एक्टिंग तो चलो कहिंदे ना किसी वेले जो तुसी जान ला देंदे हो तो उस करैक्टर वड़ जाते हो, मैं लगता करैक्टर वड़ गया सी। सो बहुत खूबसूरत किया इन्हें, नहीं मैं उही कहूँगा कि बाकी जिहड़े करैक्टर ने अमृतम भी है उन्हें क्या खूबसूरत, मतलब नैचुरली बहुत खूबसूरत एक्ट किया आ। सुख ने बहुत सोहना किया आ, मेरा तो चलो कहिंदे ना कि बिल्कुल रिवर्स रूप देखने की दुनिया। मैं कैरेक्टर की गल करना चाहूँगी, तुहानू व्यूअर्स ने ज़्यादा एज अ कॉमेडियन ज़्यादा प्यार दिता है, तो मैं इदा लगता है कि जेड़े बंदे ने कॉमेडी करती ना वह कुछ भी कर सकता, बिकॉज किसी हसाना इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग अज के टाइम। जी 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 हाँ, टफेस्ट तो हैगी है, क्योंकि उही तुहाडे लई गल कि वह भी एक रीज़न हैगा कि क्यों तुसीं इन्ने नशियां 'च जा रहे हो, कि प्रैशर बहुत हो गए लाइफ दे, जिंदगी 'च जिहड़ी जिंदगी असी, मैनू लगता कि बचपन खोया गया साढ़े मोबाइलों ने बचपन ही खोलिया, कि जिहड़ियां खेडां असी गलियां दे विच खेडदे सी, स्ट्रैस ही नहीं सी, मिट्टी नाल मिट्टी होए रहिंदे सी, मिट्टी नाल जुड़े रहना बहुत जरूरी है, असी मिट्टी तो ही हट गए हैं। तुहानू पता कि दुनिया दियां अद्धियां बीमारियां जिहड़ी जमीन तुहाडे पैरां चों ही कढ लैंदी है, जिहड़ी धरती माँ है साडी वो पैरां चों ही कढ लैंदी है, ये साइंटिफिकली हैगा आ कि नंगे पैर जमीन ते जिन्ना ज़्यादा रहोगे तुहाडियां बीमारियां उन्नियां ही ज़्यादा थल्लों कलियां। वो कहिंदे ना कि जिन्ने भी जानवर ने उन्हां चों सिर्फ एक जानवर है, जानवर ही सी ना असी भी, इंसान भी जानवर ही सी, ते कहिंदे वो इक्को जानवर है कि जिन्हों सब तो ज़्यादा बीमारियां लगियां, गावां नूं कुत्तियां नूं बिल्लियां नूं कबूतरां नूं कावां नूं है नहीं इन्नियां बीमारियां बंदियां नूं लगियां, क्यों इन्हें बूट पाले, सिर्फ इंसान ने बूट पाए है, किसी जानवर ने नहीं पाए। जिहड़े जानवर ने पाए ना तुसीं देखोगे जिहड़े कोई जानवर बीमार हुंदा उह घरेलू हो रहे, क्योंकि उह धरती तो टुट गए ने। ईवन अगर आपां लाइफस्टाइल जनरेशनस दी गल करिए सर, पहला इदां हुंदा सी कि दवाइयां बूटियां इन्नियां नहीं लईआं जांदियां सी, घर दे देसी नुस्खे हुंदे सी उहदे नाल ही इलाज हो जांदा सी, हुण एवरीबडी इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन एलोपैथिक मैडिसिन। तुहानूं दस रही सब तो बेसिक जमीन तो टुटना, पहला दो मंजिल तीन मंजिल चार मंजिल पाँच मंजिल घर भी नहीं होंगे, घर च जुत्ती बाहर लाई जाती सी, तुसी नंगे पैर ही घर च घूमते सी, नंगे पैर वो साइंस सी, असी भुल गए उस साइंस नू, वो नंगे पैर जमीन नाल जुड़े रहना साइंस है। वो जिहड़े न्यूटन के पता नहीं कोई इदां दी हैगे जिहड़े जमीन चों निकलदे आ ते बॉडी नाल टच हुंदे आ जिहदे नाल तुहाडियां बीमारियां दूर हुंदियां आ, तुहानूं बीमारियां नहीं लगदियां, तो नुस्खे तो बाद च आते हैं। मैं कहना पैना जमीन ते सौंदे सी असी, वो जमीन तो बैडा तो आ गए हैं। सो वो तो लाइफ स्टाइल तो है ही है, पर मैं उही कह रहा कि मोबाइल ने आके साडे च स्ट्रैस भर दिता है, अज बच्चे मोबाइल ते स्ट्रैस खेड रहे होंगे ने, इंजॉय थोड़ी कर रहे होंगे ने, मारे स्ट्रैस खेड रहे हैं। सो उस स्ट्रैस जो 16 साल 17 साल उत्तों जो पढ़ाई का स्ट्रैस आया थोड़े तो कुछ रिलेशनशिप्स के स्ट्रैस आते हैं जिंदगी दे, मैनू लगता फिर वो नशियां वाल भी जाते हैं। सो ये सारिया चीज़ा मिलकर कर रही हैं, पर स्टिल जिंदगी वर्गी नेमत जो परमात्मा ने दिती है उन्होंने सानू नशियां च नहीं गवाना चाहिए, सानू लड़ना आना चाहिए आ, तो लड़ांगे कहिंदे ना कि लड़ के जिंदाबाद हुंदी चीज़। सो ये फिल्म का इसलिए टाइटल जिंदगी जिंदाबाद है कि वो करैक्टर जिहड़े हार गए सी पर जदों उन्होंने समझ आई लड़े तो जिंदाबाद हो गई जिंदगी, जिहड़े नहीं लड़े उन्हां दी नहीं हुई। सो यही मेन साडी फिल्म का मंतव। मैं तुहानू पुछूंगी सर, लाइफ च ना सब दे अप्स एंड डाउनस आंदे ने, तुहाडी लाइफ दे विच कभी इदा का फेज़ आया है कि जिते बहुत ज़्यादा हिम्मत टुट गई होवे बट फिर भी एक वो हिम्मत जुटाई एंड दैन अगेन जिंदगी जिंदाबाद की? देखो वो केड़ा आदमी है, केड़ा दुनिया का, मैं तो कहना चलो आदमी छड़ो, जदों परमात्मा ने बंदे का रूप लैके धरती ते आए, अप डाउन तो उन्हां दी लाइफ च भी आए। मैं एग्जाम्पल जे भगवान राम देखिए, उन्होंने वनवास कट्टना पिया, जन्म उन्होंने राजे का लिया सी,
वनवास उन्होंने भी कटना पड़ा, अप डाउन तो उन्होंने भी आए, पर वह भी लड़ के रावण नाल किदा वापस फिर महल च होर ज़्यादा अच्छे तरीके नाल आए। सो इंसान जदों भी इंसान जिहड़ा धरती ते आ गया जिहड़ा भी, भावें अंबानी साहब होन, भावें बच्चन साहब होन, भावें असीं होइए, भावें पंजाब का कोई भी वड्डा छोटा वड्डा आदमी कोई भी होवे, किसी की ऊंच नीच च फर्क हो सकता पर आएगी जरूर। सो साडे भी जिंदगी च आए ने, कभी बचपन च बहुत गरीबी कट्टी है, वो साडे मापे सीगे सानू पता नहीं लगा, पता लगा मतलब इदा नहीं कि पता नहीं लगता बच्चों को, पता लगता बच्चों को, बट वो लड़े, उन्होंने जिंदगी सौखी की, साड़ी हुई, असी वड्डे होए, साड़ियाँ अपनियाँ स्ट्रगल चालू हुई। देखो कभी तुसी बहुत कामयाब होंदे हो, कभी डिगदे भी हो, जे डिग के उठ नहीं पाए ना दैन तुहाडी जिंदगी जिंदाबाद नहीं है। सो मैं तो मेरा ख्याल है हर दो चार साल च एक बार डिग के दोबारा उठदा हाँ, और मैं तो जिंदगी नूं जिंदाबाद मन के ही चलदा हाँ। और बड़ी हैरानी की गल हुंदी तुसी, मतलब मैं कहना चाहवांगा कि बड़ी मान नाल मैं दसदा कि जदों मुंबई दे विच कोई मैनूं कहिंदा कि ठाकर साहब तुसी दारू नहीं पीते, मैं कहिंदा नहीं, कहिंदे किद्दां दा पंजाबी है तू दारू नहीं पींदा, मैं कहा तुहानूं की लगता कि साडियां मझां उत्थे मतलब दारू देण दीआं, असी दुध पीण वाले हाँ यार, साडी दुध पीण वाली कौम है, असी वो लोग हैगे हाँ। सो असी इस गल नूं माण महसूस करना चाहिए कि असी वो पंजाबी कौम है जिहड़ी जिहड़ी किसी भी चीज़ नाल लड़ सकती है। नशे तो बड़ी छोटी चीज़ है, मैं उह बार बार कहना मैं कि इहदे वल साडा ध्यान नहीं गया कि इहदे नाल लड़ना है, जिद्दन ध्यान चला गया ये पंजाब चों नामो निशान मिटने दा। सो असी फिल्म दे विच उही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान दवाइए इहदे वल कि हुण ध्यान देने की नौबत आ गई है। सो लाइफ के ना हर एक दे ना कुछ असूल होंगे ने, थ्यूरीज होंगी ने कि आ चीज़ चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आ चीज़ इधर तो इधर पार हो जाए बट मैं आ चीज़ नहीं करनी या कुछ लैके चलना है। सो तुहाडे लिए वो चीज़ की है? पहला तो एक नशा ही है मेरा मनना, मतलब ये कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, कोई मतलब जिवें कहिंदे कि रैड वाइन पी ली, जे तुसी पी रहे हो डॉक्टर भी तुहानू कहिंदे पी लिया करो यार कंट्रोल च दवाई, बट मैनू तो मैं वह भी नहीं पीनी, ये मैं बनाया मेरा। हालांकि कई बार कई काम छुट्टे होणगे इस वजह नाल क्योंकि मैं वह महफिलों का हिस्सा ही नहीं बन सकिया। दूजी गल मैनू आती है बेईमानी, ईमानदारी नाल करो, थोड़ा कर लो ज़्यादा कर लो, क्योंकि बेईमानी नहीं होनी चाहिए लाइफ च। ते तीजी है मैनू के औरत दी रिस्पैक्ट जरूर करो, और उहदे च तुहाडा ये हेर फेर नहीं होना चाहिए। वो मतलब जो तुसी अपने घर की औरत लई फील करते हो ना कि उहनू इज्जत मिले, उहनू सिक्योरिटी मिले, वो दूजिया दे भी उही सोचना चाहिए। तो मैं लगता कि दुनिया का हर मर्द जे सोच ले तो शायद जिहड़े घिनौने जे क्राइम असी सुनन च आ जांदे सानू वो होने बंद हो जाएंगे। जिवें तुसीं कहा कि मेरा एक असूल है मैं नशा नहीं करता मैं पींदा नहीं, सो कदे इदां दा इंसीडेंट होया कि तुहाडे चार दोस्त बैठे होण बट उन्होंने तुहानू अगे नहीं बुलाया जस्ट बिकॉज यू डोंट ड्रिंक, कदे इदां दा इंसीडेंट या कुछ भी इदां दी सिचुएशन आई है तुहाडे नाल? हर शनिवार मेरा मतलब है कि देखो जिहड़ा पींदा उहनूं ही फोन करूगा, जिहड़ा नहीं पींदा उहने आ के की मतलब उह की हुंदा कि ऐ नहीं है, पर मैं उन्हां च भी बैठा हाँ अपने की कहिंदे आ वर्जन मोहितो लै के, पर इदां दे कई वारी ये तो मामूली जी गल आ कि जिहड़ी चीज़ च तुसी शामिल नहीं हो वो तो लोग भी तुहानू शामिल नहीं करना चाहते। वो तो जाते जाते तुसी कुछ कहना चाहोगे यूथ नू बिकॉज जो फिल्म का कंसैप्ट है वो बहुत डिफरेंट है कि हाँ नशे नू जिहड़ा हैगा वो अगर तुसी लग भी गए हो तो उन्हें छुट्टन लिए शायद फिल्म तुहाडी हैल्प करेगी, सो की कहना चाहोगे? क्योंकि देखो किसी भी चीज़ के ना तो एक मोटीवेशन चाहिए होंगी है, तो मोटीवेशन उदों आती, मैं एग्जाम्पल देना कि जे मैं जिम जा रहा ना तो जे मैं जिम गया हाँ मैं 3 महीने जिम करता रहा तो मैं फर्क नहीं पै रहा तो शायद मेरी मोटीवेशन टुट जाएगी जिम तो, पर उहदे नालों बैटर यह होएगा कि मैं जे मैनू नहीं फर्क पै रहा आई विल जॉइन दैम जिन्हों फर्क पै रहा, जो मैं उन्होंने मोटीवेशन ना काम करूँगा तो शायद मेरे ते भी थोड़ा बहुत फर्क पाऊगा। सो फिल्म दे विच भी असी यही दस्या है कि जेडे लोग ये सोच के बैठ गए हैं कि यार नशा एक बार लग गया हूँ तो नहीं छुटना, तो ये सच्चे करैक्टर की फिल्म है जिन्होंने नशिया की दलदल च वड़ के बाहर निकले ने, तो जो वो निकल सकते हैं तो सारे निकल सकते हैं। मैं इसलिए कहना कि जिंदगी जिंदाबाद कभी किसी एक आदमी की नहीं होंगी है,
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਠਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬਸ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।